हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, तो आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोग को, जैसा पता है कि 28 तारीख को जो है आज UPPCS का पेपर हुआ है, तो इनको हम लोग सारे जो है प्रश्नों को पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लगभग 50 प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आपको हम इस वीडियो में पूरा जो है जितना भी फर्स्ट पेपर GS का पेपर आया था उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी जो है फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो है सभी जो है प्रश्नों को आपको लगभग लगभग 100% के आसपास जो है क्वेश्चन को एकदम सही बताया जाएगा। और इसमें जहाँ पर बहुत जो है इस पर रिसर्च की गई है, बहुत ढूंढा गया है, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है। यहाँ पर लगभग लगभग सारे प्रश्न जो है आपका उत्तर उसमें सही है। अगर एक दो क्वेश्चन अगर दोस्तों सही गलत भी हो जाते हैं तो उसमें कोई आप कोई ज़्यादा सीरियस मत होइए, क्योंकि यहाँ पर मानवीय गलतियाँ हैं, थोड़ी बहुत तो हो ही जाती हैं। तो आप उन पर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके अनुसार थोड़ा सा अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप बता सकते हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने जो है फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर जो है सारे प्रश्नों को, कौन से प्रश्न के आंसर कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप जो है निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है, आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका चक्रवात के कारण और तूफान और बाउंडर सभी के कारण जो है बढ़ रही है, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्ववासन जो है संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, आपको यहाँ पर देखना था। तो यहाँ पर बात करें तो बॉटेनिकल गार्डन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी वनस्पति बाग जो है बी आंसर यहाँ पर राइट हो गया आपके। यहाँ पर चौथा प्रश्न है आपका कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वैसे तो नॉर्मन बोरलॉग जो है कृषि के लिए जो है प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ पर इनको जो है शांति के लिए लेकिन नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। यहाँ पर डी आंसर आपके राइट होंगे। तो निम्नलिखित में युग्म में से आपको देखना था, सुमेलित करने थे कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पर देखना था। तो यहाँ बात करें तो ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फियर में नहीं पाई जाती, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। तो यहाँ पर डी आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला जो आपको यहाँ पर देखना था, छठवां जो प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा शाही सुमेलित नहीं है। तो आपको बता दें कि बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में स्थित है, मानस वन्य जीव अभयारण्य जो है असम में स्थित है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है केरल में स्थित है, लेकिन सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो आपको नहीं दिख रहा होगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर MP में दिया था, जो MP में नहीं यहाँ पर उड़ीसा में है। तो आपका डी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, शायद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमारा छूट गया था, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश से परावैगनी विकिरण निकलती है उनमें से क्या पैदा होता है। तो आपका ओजोन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर सिमलीपाल मैंने बता ही दिया। यहाँ पर सातवां जो आपका जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में जो है JV नालेंकर के अनुसार जो है अभी तक विज्ञान नहीं माना गया। तो बात करें तो ज्योतिष को जो है एस्ट्रोलॉजी को जो है विज्ञान नहीं माना जाता है। यहाँ पर मैंने जो है फर्स्ट पार्ट अभी अपलोड कर दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर फुल कंपाइलेशन करके वीडियो एक ही वीडियो में जो है पूरा जो है प्रोवाइड कर देना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को आसानी से आप सभी जो आंसर को देख सके। वैसे तो मैंने देखा कई लोग जो है इसका आंसर की डाल चुके हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने बहुत सारे जो है क्वेश्चन को रॉन्ग बताया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं इसको ज़रूरी है पूरा जो है बना देना, जिससे बहुत से लोग अपने जो है मार्क्स जो है कैलकुलेट करके अपना देख सकते हैं कि कितना सही है कितना गलत है। मेरिट की अगर बात की जाए, कट ऑफ की अगर बात की जाए, तो कट ऑफ को हम लोग एक जल्दी लेकर आएंगे अगर बात करें कट ऑफ की, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि प्रश्न भले कुछ सरल थे लेकिन कुछ हार्ड थे, लेकिन उनको में बहुत से लोगों का जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड किस प्रकार का रहता है, वहाँ पर कितने प्रश्नों को सही करते हैं तो उस पर जो है क्राइटेरिया पर जाता है। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने कितना प्रश्न किया है उस पर आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स से कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं आगे जो बात करें, यहाँ पर विलहेम्स जो है रोंटजेन की अगर बात की जाए, तो ये एक्सरे मशीन ने की जो है खोज यहाँ पर की है। रेडियो को अगर देखा जाए तो मार्कोनी ने किया है। तो यहाँ पर एक्सरे मशीन जो है आपका बी आंसर एकदम राइट होगा आपका। यहाँ पर आगे यहाँ पर देख रहे हैं तो हम DNA की जो है द्विकुंडली संरचना की बात की जाए, DNA की आपके डबल हेलिकल जो है स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो यहाँ पर वाटसन और क्रिक हैं। बहुत बहुत ज़्यादा जो है एग्ज़ाम अभी रेलवे का जो चल रहा था उसमें जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे आपका ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके, तो यहाँ वहाँ से भी लगभग ले लिया गया है या सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है यह सब। तो
अगर बात करें यहाँ पर 10वां प्रश्न, चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर बताते हैं तो जो ये है आपका एक्स किरणों की जो है आपकी ऊर्जा जो है अधिकतम होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्स किरणों की अधिकतम होती है। यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग, मीथेन निम्न में से किससे निकलती है, तो यहाँ बात करें तो धानों से तो निकलती ही निकलती है, बहुत से लोगों ने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, लेकिन वह दीमक की बामी से भी निकलती है, तो यहाँ पर सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, यानी दोनों से निकलती है। यहाँ से बहुत से लोगों ने ए आंसर जो है आपका टिक लगा दिया, पीछे से आपकी थोड़ा सा ग्रामेटिकल चेंज किया है कुछ कुछ वर्डों में, तो यहाँ से थोड़ा सा हार्डनेस आई है। निम्नलिखित तत्वों में कौन जो है अर्धचालक है, तो यहाँ पर बात करें तो अर्धचालक की तो सिलिकॉन है आपका, बहुत सिंपल सिलिकॉन, जर्मेनियम दिया होता तो आपका राइट आंसर वहीं पर हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगर बात करें तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड द्वारा आप तुरंत इसको लगा सकते हैं, भारत की जो है संविधान की प्रस्तावना मतलब कितने प्रकार का न्याय है आपका, न्याय जो स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, उसमें क्रम का जो उल्लेख है आपको यहाँ केवल आपको पता होगा कि न्याय का जो है आपका तीन प्रकार का न्याय ही दिया जाता है, तो आपका केवल पहले में ही तीन है, तो यहाँ पर आसानी से जो है आप टिक लगा सकते हैं, तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां जो है 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में जो है यूपीए का उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो सुश्री मीरा कुमार जी थी। आगे यहाँ पर देखें, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात करें, उपसभापति को तो अरविंद पनगड़िया जी फर्स्ट थे यहाँ पर। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां जो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, तो आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर जो है पहला राज्य हमारा बना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है, अगर बात करें तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, कौन माना जाता, तो यहाँ पर जो है ये सब तो नहीं है आपका वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, तक यहाँ पर जो नीति आयोग है वही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर राइट होगा। अगर बात करें सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यहाँ पर देखना था तो यहाँ पर केंद्र और राज्य संबंध से यहाँ पर संबंधित है यह सरकारी आयोग। निम्नलिखित में 1900 जो प्रश्न है, सर्वप्रथम जो संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई, तो यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन जो है यूके में जो है ये आरंभ की गई थी, यहाँ पर ए आंसर एकदम राइट होगा आपका। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहे हैं या कुछ क्वेश्चन जो अगर एक आध दो मिस्टेक हो जाता है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जो सही लग रहा हो, अगर आपको एकदम श्योर हो तभी आप बताइएगा जरूर। निम्नलिखित में से किससे के संबंध में राज्यसभा का जो है अनन्य जो है अधिकार है, अगर बात करें तो यहाँ पर जो एक अखिल भारतीय सेवा के सृजन है, तो जो संस्तुति की जाती है आपकी, यहाँ पर आपका सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21वां जो अगर बात करें तो नागरिकता हमारे किस में है, तो भाग दो में पाई जाती है, तो यहाँ पर जो है आपका दूसरा एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक जो है भाषा से जुड़े जो है प्रावधानों से संसद जो है संशोधन कर सकती है, यहाँ पर बात करें तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा जो है कर सकती है, तो यहाँ पर ये आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें, अगर 23वां प्रश्न देखिए तो सिंपल आया था, यहाँ पर जनरली जो है आपका पेपर्स में आते रहते हैं क्वेश्चन इस टाइप के जो है आपके प्रश्न, राहुल गांधी जैसे यहाँ पर बहुत कम जो है अवेलेबल रहते हैं आपके पार्लियामेंट में, तो वहाँ से जो है अभी आप देख सकते थे वहाँ पर मुद्दा उठता रहता है, जो बिना अनुमति के कारण जो है 60 दिन अगर आप अनुपस्थित रहेंगे तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि निम्न गवर्नर जनरलों में किसने जो है कांग्रेस का अत्यधिक जो है अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया था, तो यहाँ पर लॉर्ड डफरिन थे, यहाँ पर ए आंसर आपको एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो ढींग एक्सप्रेस की अगर बात करें, ढींग एक्सप्रेस जो है आपका तो हिमा दास का निक नेम है, हिमा दास का निक नेम के नाम से यह ढींग एक्सप्रेस जो है चलाई गई थी। मैरीकॉम की अगर बात करें, मैरीकॉम को जो हाल ही में सितंबर जो है सितंबर 2018 में जो है किसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो स्वच्छ भारत मिशन का जो है ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया था, BSNL का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, बी आंसर यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगर देखें तो हाल ही में जो मैटर यहाँ पर चले थे समलैंगिकता संबंधी जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अभी आया हाल ही में बहुत, तो आपकी धारा जो है 377 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सेक्शन 3377 जो है IPC की धारा, यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल राइट होगा आपका। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगर बात की जाए तो क्रूज जो मिसाइल है ब्रह्मोस जो है वह भारत और रूस के मध्य की जो है मिसाइल है, तो ये आंसर आप पर बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पर बात करें 29वें जो क्वेश्चन की, तो एंड्रेज जो है मैनुअल लोपेज अब्राडोर की अगर बात करें, तो यह मैक्सिको के आपके राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, यहाँ पर सी आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा।
आगे देखते हैं पनामा जो है पेपर्स के आधार पर जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है प्रधानमंत्री को जो है 10 साल की जो सजा हो गई थी दी गई थी, तो किसको दी गई थी, तो पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जो दी गई थी, वो फंस गए थे यहाँ पर। उसके बाद अब इरफान खान जो है आपके बने हैं नए जो आपके प्रधानमंत्री। यहाँ पर अगला जो प्रश्न आया था 31 जो है जुलाई 2018 में प्रकाशित जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ जो है सिटीजन या NRC के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में जो 40 लाख से अधिक जो है अवैध शरणार्थी पाए गए थे। तो यहाँ पर अगर बात करें जो अवैध शरणार्थी जो है असम में बहुत ज़्यादा पाए गए थे, तो यहाँ पर उसी आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला जो है 32वां क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा जो है सफर वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का जो है उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन, यहाँ पर सी आंसर एकदम राइट होगा। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान साइंस द्वारा जो है 26 जुलाई 2018 की जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला गया लगाया गया, तो मंगल ग्रह पर जो है यह पता लगाया गया है। आपका डी आंसर एकदम राइट होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता जो है किंग जोम से जो है 12 जून जो है 2018 को किस देश में मुलाकात की, तो सिंगापुर में जो है मुलाकात की थी, आइसलैंड में कोई। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग जो 35वां प्रश्न है कि इनमें से जो आपको दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन जो नरेश थे उनको जो उनके राज्यों से जो है आपको मिलान करना, तो यहाँ पर विष्णुगोपा जो है कंची आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर डी दूसरे अगर आप लगाएंगे तो डी का दूसरा, तो आपका एकदम बिल्कुल सी आंसर ही राइट होगा और सब आप इलिमिनेट हो जाएंगे। डी का दूसरा हो गया, सी का चौथा आपका लगा सकते थे आप, सी का चौथा आपका पालक्का हो जाता उग्रसेन का, और यहाँ से आपको एकदम क्लियरिटी आ जाती, तो 35 का जो है आपका सी आंसर एकदम राइट है। यहाँ पर अगर आगे देखें कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, अगर बात करें यहाँ पर कालीबंगा की, तो कालीबंगा आपको राजस्थान में मिलेगा। लोथल की अगर बात करें तो लोथल जो है आपका गुजरात में है स्थित, आलमगीरपुर और हुल्लास जो है आपका केवल यूपी में है, यानी थर्ड फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर राइट होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी जो संस्था है विदेशी व्यापार से संबंधित है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पर नाना देसी जो है आपका राइट आंसर है यहाँ पर बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पर बहुत से मेहनत किए गए हैं इसमें, सभी जो प्रश्नों पर जो है आपका अच्छी तरीके से जो है व्यापक इस पर यहाँ पर ढूंढा गया, उसके बाद जो है आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर लगभग आपके बहुत सारे 99% क्वेश्चन के सही हैं, लगभग एक दो क्वेश्चन अगर आपके मिस्टेक हो जाते हैं तो इसमें आपका मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यह जो है इतने तो हो ही जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जो है इसको शेयर कर दें, जिससे सभी यह लाभ उठा सकें। यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग, नीचे जो कथन दिए गए थे उनको जो है आपको विचार करना था। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी जो है गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया है, यह भी सही है आपका। आरंभिक जो चिश्ती सूफी संत संगीत संभाव जिन्हें समा कहा जाता था वे शौकीन थे, यहाँ भी ये भी राइट है, लेकिन यह दूसरी की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका 138 का जो है आपका बी आंसर एकदम राइट हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जो जानकारी किस लेख से मिलती है, तो यहाँ पर बात करें तो जो हाथी गुफा जो है लेख से मिल रही है, तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। मध्यकालीन जो है भारत के ऐतिहासिक स्रोतों से में जो है चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, तो चकला जो शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पर सुबा और परगना के बीच के क्षेत्रीय इको से है, आपका सी आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें अगला प्रश्न जो है सुरक्षा के लिए जो है मराठों के राजस्व के दावों को भी किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर बात करें तो चौथ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। दिल्ली में पुराना किला के सामने जो है खैरल मंजिल जो है अपोजिट में जो है मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो महाम अनंगा जो है ने कराया था आप, तो यहाँ पर डी आंसर एकदम राइट हो जाएगा। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेरित नहीं है आपको बताना था, तो यहाँ पर जो है आपके जो जितने भी दिए गए हैं इनमें से देख लेते हैं हम आपके, तो यहाँ पर का गंजाम जो है राधा कृष्ण दंड से आपका एकदम राइट आंसर है, सुमेलित नहीं है और सब जो है सुमेलित हैं। यहाँ पर अगला देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है,
देवगिरी शंकर देव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसल जो है वीर बल्लास, मदुरा वीर पांडरा। यहाँ पर दोस्तों मुझे कन्फ्यूजन है, तो आप लोग को अगर सही राइट आंसर पता हो तो आप लोग को इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको इसमें से। तो यहाँ बात करें तो आपका अहमद शाह, आलमगीर मोहम्मद जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, यहाँ पर इनमें से आपको बताना था। तो यहाँ पर आपका सी आंसर यहाँ पर राइट होगा। आपका पहले आलमगीर सेकेंड है आपके, उसके बाद मोहम्मद शाह हैं, उसके बाद बी यानी जहादर शाह हैं आपके, उसके बाद अहमद शाह हैं। तो यहाँ पर सी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है किस पर आधारित है? तो परिवहन और संचार जो है इसका, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ने जो है इसको विकास पर आधारित किया गया है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो बात करें जो तट रेखा की, अगर बात करें तो तट रेखा जो है आपकी गुजरात की सबसे ज़्यादा लंबी है। यहाँ पर 48वां जो प्रश्न है आपका आया कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है जैविक आपदा घोषित हो चुकी है? तो यमुना जो है आपकी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर जो है निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस में अवस्थित है? आपको यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बिल्लीगिरी रंगा जो है आपका आंसर सही होगा, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? अगर बात करें तो यहाँ पर पेलियोसीन के जो है यहाँ पर विस्तार माने जाएंगे, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो बात करें ताप्ती ही केवल ऐसी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है बस। 52 को अगर देखें तो निम्नलिखित देशों में से किस में जो है प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? यहाँ पर अगर बात करें तो ये सर्वाधिक जो है डेनमार्क में है। इंडिया नहीं लगाना है दोस्तों, इंडिया नहीं है। इंडिया की अगर बात करें तो वो औसत, पहले पूरा प्रश्न आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद जो है आंसर को यहाँ पर क्लिक करिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम है? यहाँ पर बताना था आपको, तो श्रावस्ती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था दोस्तों। यहाँ पर अगर अगला प्रश्न देखें कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी जो है किस्म मानी जा रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर अंगूर एकदम राइट आंसर होगा, डी एप का बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर अगला देखते हैं प्रश्न जो है 55 जो है निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो केरल जो है इसका आपका सही आंसर होगा। यहाँ सूची फर्स्ट सेकंड को आपको मिलान करना था। यहाँ पर अगर बात करें तो केरल जो है आपका अनाईमुदई आपका सही हो जाएगा। तमिलनाडु, उत्तराखंड की अगर बात करें नंदा देवी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक थर्ड जो है आपका देख सकते थे, और उसके बाद यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता आपका, स्वयं सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं 57 जो है निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोजित का अग्रणी उत्पादक है? तो जो अग्रणी उत्पादक की अगर बात करें तो आज अब पहले से अग्रणी जो है चिली जो है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो है शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम रखा गया? तो शिशु लिंग अनुपात जो है अगर बात करें तो न्यूनतम आपके हरियाणा में है, सी आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जो है ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर बात करें कवच वाले जीव थे, उसके बाद कीट वाले आए, फिर उसके बाद सरीसृप, उसके बाद स्तन जो है धारी जो है जीव आए हैं। 3, 2, 1, 4 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, यहाँ पर सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखते हैं वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित से कौन सी अवधारणा के की परिभाषा है? तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा है, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो यहाँ पर 11 जुलाई को जो है मनाया जाता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा का निर्देश करता है? जहाँ अगर बात करें तो गरीबी रेखा का निर्देश जो है
यहाँ पर जो है लेसन प्लानिंग कमीशन जो है करता है आपका, यहाँ पर डी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई भारत में प्रथम पायदान पर, तो महाराष्ट्र जो है प्रथम पायदान पर आपके है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है, अगर बात करें तो आयकर से जो है संबंधित है, वहाँ पर बी आंसर एकदम राइट होगा आपका। निम्नलिखित में से अगर बात करें तो वही सेम क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम बताया मैंने था, यहाँ पर आपका एम्स्टर्डम जो है आपका नीदरलैंड का जो है आपका कैपिटल है। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंटर इंडेक्स जो है निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित है, सी आंसर यहाँ पर राइट होगा। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA के अनुसार विश्व का जो है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, यहाँ पर 55 हो जाएगा, 54 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो यहाँ पर डी आंसर एकदम राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जो है द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंड जो है आपका सेकेंडरी पॉपुलेशन किसे कहा जाता है, तो स्मोक जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आगे देखें, निम्नलिखित परिस्थिति के तंत्रों में किसमें जो है प्रजाति विविधता सापेक्षता आप काफ़ी अधिक होती है, तो कोरल रीफ पे आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, सरल प्रश्न आया था ये। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता, तो मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता, तो 71 डी जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर 20 डेसिबल जो है आपका राइट आंसर होगा। हाँ आगे देखते हैं तो जलवायु परिवर्तन का संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, यहाँ पर अगर बात करें तो पेरिस में जो है यह आयोजित हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय योजना कब लोकार्पित की गई थी, यहाँ पर बात करें तो 2008 में जो है लोकार्पित की गई थी, तो 74 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आगे देखते हैं कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो आपका बात करें तो महासागरी है आपका सही आंसर। यहाँ पर आगे देखते हैं 76 क्वेश्चन, इंसिनरेटर्स का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है, यहाँ पर ए आंसर आपका राइट होगा। हरितगृह प्रभाव का क्या है, तो वैश्विक ताप में वृद्धि जो है हरितगृह प्रभाव कहलाती है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं 78, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य कारण है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य कारण आपका बात करें तो मीथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर एकदम राइट है। पशुओं को दिया जाने वाला जो है कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्ध के जो लगभग विलुप्त होने का कारण माना जाता है, यहाँ पर 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको यहाँ पर बताना था, तो यहाँ बात करें तो कथन सही है, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, यह भी सही है। भोपाल गैस जो है त्रासदी मानव निर्मित थी, यह भी सही है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम कर देता है, तो यह भी सही है, लेकिन भारत आपदा युक्त देश नहीं है, यह गलत है आपका, तो यहाँ पर 1, 2, 4 जो है सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो कॉस्मिक किरणों का जो है वेग सबसे अधिकतम होता है, यहाँ पर ये ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ग्राफीन होता है, ग्राफीन क्या है, तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप माना जाता है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। ध्वनि का जो है वेग अधिकतम होता है कहाँ पर होता है, तो इस्पात में जो है स्टील में जो है सबसे ज़्यादा होता। धुआं में आँखों का प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजन होता है, तो ओजोन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो विलियम हॉकिंस ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, तो आंवला जो है सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, तो डी आपका यहाँ पर एकदम आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा जो है जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो गया है, तो यहाँ पर बात करें तो मंगल ग्रह जो है सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। यहाँ पर आइंस्टाइन को निम्नलिखित में से उनके किस सिद्धांतों के लिए नोबेल पुरस्कार का जो है
दिया गया है। तो बात करें तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए ही दिया गया है, यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो ऊर्जा स्रोतों में से कौन पारिस्थितिक प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता, तो बात करें सौर ऊर्जा जो है यह नहीं करता है, सोलर एनर्जी जो है यह नहीं करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के ये निम्नलिखित में कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, तो बात करें तो यहाँ पर सभी भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर डी आंसर एकदम राइट हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसे जो अशोक चंद्रा द्वारा भारत की आर्थिक गलियारा कहा गया है, तो यहाँ पर बात करें तो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को कहा गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यहाँ पर बताना था आपको तो पीएन भागवती जी, आपका सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक आपको बताना था संजय बारू जी थे, बहुत पुराना क्वेश्चन आया है यहाँ पर। निम्नलिखित के संविधान सभा की अंतिम बैठक की निम्न में से अंतिम बैठक की तिथि बताइए, तिथि बताना था यहाँ पर, अगर बात करें तो यहाँ पर 24 जनवरी 1950 आपका एकदम राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता, तो विधान परिषद ही राय आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे प्रश्न देखते हैं, 97 जो है भारत सरकार द्वारा महिला और बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया, तो 1985 में जो है स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित किया गया था। लोकसभा के केंद्र शासित राज्य क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो यहाँ पर बात करें तो 20 टोटल हो सकते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं कि 14 जून से जो है 15 जुलाई 2018 तक रूस से आयोजित फीफा जो है विश्व कप में कुल कितनी टीमें हैं, तो 32 टीमें हैं मां ने प्रतिभाग किया था। यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन देशों में जो है किसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 को जो है रामायण सर्किट की शुरुआत की थी, तो नेपाल जो है उसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरती, तो यहाँ पर बाय जो आपका बस्ती एकदम राइट आंसर हो जाएगा, और सभी जगह से गुजरती है लेकिन बस्ती से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर अगर 102वां प्रश्न की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक में जो है इसको 96वां नंबर मिला, तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आगे देखें, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो है मई जून 2018 में निपाह वायरस जो है बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में आई, तो केरल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में जो प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में समर्पित किया गया है, यहाँ पर दिल्ली जो है आपका एकदम राइट आंसर होगा, डी आपका बिल्कुल राइट है। वैश्विक शांति सूचकांक GPI जो है 2018 में के अनुसार जो है विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो बात करें तो यहाँ पर 134th जो है स्थान मिला है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, 106वां जो है 15वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो की अगर बात करें तो यहाँ पर 2019 में किस शहर में आयोजित किया जाने वाला है, तो यहाँ पर वाराणसी में जो है आयोजित किया जाने वाला है। यहाँ पर अगला जो है प्रश्न देखते हैं, 107वां जो है 4 जुलाई 2018 में धान का प्रति कुंतल जो है न्यूनतम समर्थित मूल्य जो है MSP जो है आपका 2018-19 के अनुसार जो है यहाँ पर 1750 जो है यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो गया, पहले 1550 था लेकिन 200 रुपये यहाँ पर बढ़ गए हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है जुलाई 2018 में जो है पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीत लिया और प्रधानमंत्री बन गया, तो आपको पता होगा इमरान खान जो है आपके यहाँ पर बन गए हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न जो है आया था, निम्नलिखित में से किसने जो है जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया इमरान खान जो है बन गए हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है वर्ष 2018 के मैग्सेस पुरस्कार जीता है, तो यहाँ पर 8वां जो है, अगर 109वें प्रश्न की बात की जाए तो भारत वटवानी और वांगचुक दोनों ने जो है जीता, तो यहाँ पर सी आंसर एकदम राइट होगा।
दशम ब्रिक्स जो सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ है? का दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता मानी जाती है? दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर वाज सनेमी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कौन सा जो है सही है? यहाँ पर देखना, भारत है पर तुर्की आक्रमण सफल हुए हैं, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपके सही हैं, तो यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला देखते हैं कि निम्न मंदिरों को कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में सही उत्तर भरिए। तो यहाँ आपकी बात करें तो आपका डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर सप्त पैगोड़ा की बात करें, उसके बाद महाबलीपुरम तटीय मंदिर की बात करें, उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर, उसके बाद गैंगकोंड और चोलपुरम मंदिर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर 115वें अगर प्रश्न की बात करें तो नीचे दिए गए जो कथन में आपको देखना था, तो 1946 में मुस्लिम लीग में जो है कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई जो अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हो गई थी। तो यहाँ पर बी आंसर आपका राइट होगा। दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या सही ढंग से नहीं कर पाते, तो बी आपका राइट होगा। 16वां जो प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस स्थानों जो है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो अगर बात करें तो यहाँ पर पशुपालन के जो प्रमाण है बागोर जिले में मिलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो अदीना मस्जिद जो है मांडू जो है सही सुमेलित नहीं है, उसके अलावा जो है सभी जो है सुमेलित हैं आपके। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है आपका कि यह कौन सी किनकी रचना नहीं है? तो ध्रुवदास जो है भगत नामावली इनकी रचना नहीं है, और नाभादास की भक्तमाला, रसखान की रसिक प्रिया, उस्मान की चित्रावली सभी जो है एक दूसरे की सही रचनाएं हैं आपकी। 119वां प्रश्न, घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। यहाँ पर अगर बात करें तो वुड का जो है घोषणा पत्र 1854 में आया था, उसके उपरांत जो हंटर आयोग आया, उसके बाद आपका सैंडलर आयोग आया, उसके बाद आपका सर्जेंट आयोग आया। तो यहाँ पे CABD जो आपका डी आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर। तो 120वां जो है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, तो 120वां जो क्वेश्चन आया बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, क्रांतिकारी जो संगठन है आपको बताना था, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अहोम जो है 1815 में यही सुमेलित नहीं है, और सभी जो सुमेलित हुए हैं। निम्नलिखित में से आपको बताना था भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, या कौन सा सही सूचक है आपका? तो त्रिवार्था जो है आपका सही सूचक है यहाँ पर बिल्कुल आपके। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है पाम्पा घास का मैदान पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में जो है आपका पाम्पा घास का मैदान पाया जाता है, जो आपका दक्षिणी अमेरिका में है। अगर यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर इन युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना था? तो यहाँ पर गिब्सन जो है ब्राजील में नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है, और सभी जो सुमेलित हैं आपके। तो यहाँ पर 126 जो है आप यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ बात करें तो आपका काफ़ी उत्पादक के हिसाब से 2016 का प्रश्न पूछ लिया गया था। मात्रा के हिसाब से अगर बात करें तो ब्राज़ील तो लगभग लगभग सभी को पता था, लेकिन इसके बाद सेकेंड नंबर पर वियतनाम थे, उसके बाद कोलंबिया, और उसके बाद जो है इंडोनेशिया जो है आपका राइट आंसर होगा CBAD। यहाँ पर डी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर स्वेज नहर के बन जाने के कारण जो है पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की जो सामुद्रिक की दूरी में कितनी कमी आ गई है? तो 7000 जो है किलोमीटर की दूरी में जो है कमी आ गई है। यहाँ पर बी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ 128 की अगर बात करें तो निम्नलिखित तो भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए और उन्हें जो है नीचे दिए गए सही श्रेणी में लगाइए। तो यहाँ पर बात करें तो शिमला समझौता जो है आपका पहले हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल एक ही आंसर आपका है, CDAB जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका एकदम बिल्कुल राइट होगा।
यहाँ अगर बात करें 129 की, तो यहाँ पर निम्नलिखित जो कथन थे और मैं आपको आपको स्मार्ट तरीके से आपको इसमें से छाँटना था, अगर आप वो कर लेते तो आप आपका सही हो जा सकता था। क्योंकि अगर आपको पता है जो काली मिट्टी होती है हिमालय में नहीं पाई जाती, या आपका महाराष्ट्र की तरफ जो पाई जाती है जिसमें कपास बोए जाते हैं आपके भारत का, अगर आप नक्शा बनाएंगे तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जो आपकी मिट्टी पाई जाती है वह काली मिट्टी ही पाई जाती है आपकी। तो अगर मैकमोहन रेखा की अगर बात करें तो सीमा जो है आपकी भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वह मैकमोहन रेखा जो है उसको कहा जाता है आपका। वहाँ 131 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में जो नदियाँ हैं उनके जो है मुख्य मुहाने पे जो है पक्षी के पंजे की आकृति वाला जो डेल्टा है वह कौन सा है, तो मिसिसिपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे बात करें तो जनसंख्या की जो है प्राकृतिक विधि निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर जो है आपका यहाँ पर परिणाम माने जाएंगे। तो यानी ए और बी जो है दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से आपको बताना था मानव सूचकांक जो विकास सूचकांक होता है वह कौन किस कौन जो है करता है डेवलपमेंट, जो कौन कौन करता है विकसित कौन करता है यानी निकालता कौन है, तो यहाँ बात करें तो UNDP जो है आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अगला जो है 134 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में ग्रामीण रोजगार का जो है सबसे बड़ा कार्यक्रम है, तो मनरेगा जो है आपका सबसे बड़ा कार्यक्रम है, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है लॉरेंज वक्र मापा जाता है, लॉरेंज वक्र की अगर बात की जाए तो आय की जो है विषमता को यहाँ पर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की जो है मापा जाता है आपका, यहाँ पर डी आपके एकदम राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के अनुसार आधार पर जो है सबसे नीचे है, यहाँ पर देखा जाए तो यह जो आपके वो हैं यह आपका बात करें तो इसमें थोड़ा सा डाउट है लेकिन हरियाणा ही यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल आंसर लग रहा है दोस्तों। अगर आपको एकदम क्लियरिटी हो तो आप बता सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से करों में से कौन सा जो है ग्राम पंचायतों द्वारा जो है लगाया जाता है, तो स्थानीय मेलों पर जो है कर लगाए जाते हैं, टैक्स ऑफ लोकल फेयर्स के लिए लगाए जाते हैं यहाँ पर टैक्स। यहाँ पर भारत में निम्नलिखित 5 वर्षों योजनाओं में निम्नलिखित मुख्य ध्येय जो है संपोषणी वृद्धि था, वह 12वीं जो है आपका डी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है, तो यहाँ पर गाजियाबाद को जो है नहीं चुना गया है। यहाँ पर 140 क्वेश्चन जो है 140वां जो है प्रश्न आया था कि NFHS 2015-16 के अनुसार जो है वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर जो है TFR को कितनी रह गई है, तो बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा आपका डाउटफुल क्वेश्चन है कि 2.2 या 2.4, अगर बात करें तो 2.3 के आसपास कुछ है, तो यहाँ पर तो ये 2.4 ही मारा जा सकता है, 2.2 तो मारना यहाँ पर सूटेबल नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आपको और भी सटीकता का नॉलेज है तो आप बता सकते हैं, वरना अगर आपका यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर बी ही आंसर राइट होगा। तो यहाँ अगर बात करें तो भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान कौन करता है, तो यहाँ पर जो समिति बनाई गई थी गठित थी हाशिम समिति जो है राइट आंसर हो जाएगा। 140 जो है क्वेश्चन आपका इंडिया स्टेट और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत आता है, तो 21.54 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर था। भारत में बाघ परियोजना की अगर बात करें तो 1973 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर उतना नहीं है, तो 1972 मारा जा सकता है, यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, तो यहाँ पर बात करें तो घास का मैदान यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ग्रासलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, तो यहाँ पर बात करें बहुत अच्छा तरीके से फंसाया गया था, यहाँ पर बहुत से लोगों ने ऊँट को मारा है, तो ऊँट यहाँ पर गलत आंसर है क्योंकि ऊँट से ज़्यादा तो जिराफ ही रह सकता है, जिराफ से ज़्यादा जो है आपका कंगारू चूहा भी रहता है, तो यहाँ पर डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग जो है अगला प्रश्न 146 है, भारत का जो है प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरिन बायोडाइवर्सिटीज किस शहर में स्थित है, तो यहाँ बात करें तो जामनगर में जो है स्थित है आपका, भी एकदम राइट हो गया। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यहाँ पर बात करें तो येलो थ्रोटेड मॉर्टन से आपका एकदम राइट हो जाएगा, सॉरी
यहाँ पर हंगुल कश्मीर स्टैक से संबंधित है। यहाँ पर डी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो गया इसके लिए। यहाँ विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ बात करें 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 149वां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो इफेडिक जो दोस्तों या मृदा से ही संबंधित है, तो यहाँ पर एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न फिर ओजोन से पूछ लिया गया, तो स्ट्रेटोस्फीयर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और उसके बाद अपने जो है कमेंट बॉक्स में अपने जो है ज़रूर लिखिए कि आपने कितना स्कोर किया है। आपके अपने नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है पूछ सकते हैं कि मतलब कि कितने भी जितने भी नंबर आप लोगों ने लिखे हैं मतलब किए हैं उसको कर सके, आपको एक कट ऑफ की एनालिसिस हम लोग करेंगे जिससे। तो दोस्तों अगर इस चैनल को आपको अच्छा लग रहा हो, अगर इसमें जो कंटेंट और आपके जो है सही हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सभी दोस्तों के पास शेयर करिए, और बेल रिंग को जरूर दबाए दे दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बेल रिंग को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिक